नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर के गयपुरा चौकी के अंतर्गत आपको बता दें कि खमरिया दमवान के प्राथमिक स्कूल पर हुई चोरी। आपको बता दें कि जनपद मिर्जापुर के गयपुरा चौकी के अंतर्गत खमरिया दमवान के प्राथमिक विद्यालय पर चोरी हुई भीषण चोरी, जिसमें चौकी इंचार्ज रविकांत मिश्रा की लापरवाही साफ झलक रही। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान से बात करते वक्त चौकी इंचार्ज रविकांत मिश्रा जी ने पत्रकार को चोर चोर आते हुए कहा कि पहले पत्रकार चोरी कराते हैं, उसके बाद बरामदगी कराकर वसूली करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, बड़ी चोरी है, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। चौकी इंचार्ज का साफ साफ कहना है कि पत्रकार चोरी कराते हैं, उसके बाद वसूली करते हैं। आप देख रहे हैं P7 भारत की खबर। देखिए हमारी खास खबर, देखते रहे P7 भारत में। मैं हूं प्रकाश। इस समय मिर्जापुर जनपद विकासखंड 96 के प्राथमिक विद्यालय खमरिया दमवान पर आपको बता दें, विगत कई दिनों से अलग अलग जगहों से सूचनाएं आई थी। इसके पहले मैंने आपको बताया था और आपको मैंने खबर दिखाई थी भतड़ाव का, फिर बदेवरा का और उसके पहले बघेड़ा का। बहुत सारे जगहों पर प्राथमिक विद्यालय एवं सचिवालय पर चोरी हो रही। आज उसी क्रम में चोरों ने एक नया अड्डा ढूंढा, वो है खमरिया दमवान। हम आपको लेके चलते हैं। बड़ी चोरी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ रसोइया को टारगेट किया जा रहा है। गैस चूल्हा बर्तन जो भी मटेरियल है रसोइया को टारगेट किया जा रहा है। लगभग भतड़ा जैसी ही चोरी, जैसे भतड़ा हुई थी वैसी ही चोरी यहाँ पर भी हुई है। पूरी तरीके से यहाँ पर देखे रम्मा से मार करके तोड़ा गया है इसको। ये इसकी कुंडी है, कुंडी को इस तरीके से तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। लगभग 100 से ऊपर कढ़ाई, चूल्हा, गैस सिलेंडर और जो बच्चों को खाने का सामान था, चावल दाल अन्य सामग्री जो थी, सब कुछ लगभग चोर उठाए गए हैं। थाली ज्यादा मात्रा में थी, थाली गायब हो गई है और कढ़ाई वगैरह भी गायब हो गई है, जैसा कि आगे दाई ने और अध्यापक ने बताया। हम आगे की जानकारी उनसे लेंगे कि क्या क्या मटेरियल इनका यहाँ चोरी हुआ है। कौन सा स्कूल है ये? खमरिया दमवान प्राथमिक विद्यालय। चोरी हुई आपके यहाँ? हाँ, चोरी। क्या क्या सामान गया? सब चोरी हो गया। हमारे रसोईया में कुछ नहीं बचा है, खाली 10 थाली भर बची है बस, बाकी सब सामान उठा ले गए। हाँ, सब उठा ले। क्या क्या था? अनाज वगैरह भी था, गैस सिलेंडर रहा वो उठा ले गए, भगोना रहा भगोना उठा ले गए, कढ़ाई रहा, ताठी रहा, सब उठा ले गए, दाल रहा, तेल रहा, सब उठा ले गए, मसाला और चावल वगैरह भी था अनाज में। चावल एक बोरी रहा वो उठा ले गए। आटा वगैरह? आटा रहा एक दिन के बनवा के वो उठा ले गए, कुछ भी नहीं हमारे रसोईया में। का बना, आलू रहा आलू उठा ले गए, थोड़ा सा आलू बचा हुआ था। जी सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, आपके विद्यालय में चोरी हुई, कैसे सूचना मिली आपको? दाई के द्वारा। क्या क्या सामान गया है यहाँ पे? 2 भारी सिलेंडर गैस थी और बर्तन थे और खाद्य सामग्रियाँ, कुछ बचा नहीं है इसमें। हमने जैसे देखा, जिस तरीके से देखा कि मतलब पूरा पूरा का पूरा मटेरियल गायब हो गया है। पूरा मटेरियल गायब कर दिया है जी। बर्तन में भी कुछ बचा नहीं आपके पास? बर्तन में कुछ नहीं बचा। क्या लगता है, किसी पे शक है आपको, किसी से कोई अनबन रही हो, दाई किया किसी के अन्य को स्कूल? नहीं तो हम यहाँ से करीब 7 वर्ष से कर रहे हैं सर्विस, लेकिन कहीं ऐसे कभी नहीं, पहली बार मरतबा हुआ। पहली बार हुआ, ऐसा हमारा कोई है नहीं है। हम लोग दूर के अध्यापक हैं, आते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली। सर, शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं, लगभग 10 स्कूलों पे और करीब 2-4 पंचायतों का हम लोग ने खबर निकाला। आज क्या खाओगे तुम लोग? तो भूखे रहा आज, तो खाना ना बनना, आज कुल चोरी हुई है ना?